भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राचीन राज्य जिसका नाम बौद्ध सन्यासियों के आराम करने के स्थान विहार से बना, बिहार। बिहार के कई ऐतिहासिक जगहों में से एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में हम अक्सर कहानियों में सुना करते हैं। यह है बिहार के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव वाल्मीकि नगर। जहां की हरियाली, टाइगर रिजर्व की विशालता और गंडक नदी की चंचलता हमें नेचर के काफी करीब ले जाती है, और इसी खूबसूरती के बीच कई कहानियां जन्म लेती हैं, इसकी वजह से इस जगह का नाम इतिहास में अमर हो गया है। और मैं भी निकल पड़ा हूं उन्हीं कहानियों की परछाइयों को ढूंढने। हमारा यह सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, उन कहानियों को तलाशने जो हमारे अस्तित्व का एक बेहद अहम हिस्सा है। ये बताइए कि इससे पहले आप यहाँ आए थे कि नहीं? यहाँ पे आए थे हम लोग, और हम लोगों का वीडियो भी होगा वाल्मीकि नगर का। लेकिन एक्चुअली क्या है, इस साइड हम लोग अनजान थे कि मतलब नेपाल साइड में इस तरह का है। सबसे बड़ी बात है 5 किलोमीटर के आसपास में भंसार नहीं कर रहा है, अब बिल्कुल फ्री है इधर घूमने के। बड़े आराम से आइए, और जब इधर आएंगे तो इधर का जो माहौल है ना बेहतरीन है, लाजवाब है, मजा आ जाएगा। जैसे लगेगा हम लोग गोरखपुर से इतना कम डिस्टेंस पे है, और ऐसे स्पॉट जो है आपको देखने को मिल सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। 12 बजे तो आप मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर आप आ जाइए, आपको देखिए बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। नदी, हम लोग बीच में बिल्कुल बीचों बीच में नदी के ऊपर है। जिसको पूरी तरह से समझने के लिए मुझे बिहार के सटे नेपाल बॉर्डर पर आना पड़ा। नदी के तट पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ गए। लक्ष्मण जी इसी नदी के तट पे आके सीता जी को छोड़ गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वही नदी है जहां लक्ष्मण जी ने मां सीता को छोड़कर अपनी अयोध्या की तरफ वापस लौट गए थे। कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए मुझे भारत और नेपाल के मध्य त्रिवेणी नदी को पार कर उस तरफ जाना होगा, ताकि जो मैं खोज रहा हूँ या मैं जानना चाहता हूँ उसकी जानकारी पूरी तरह से मिल सके। जहाँ ऋषि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, और जहाँ सीता माँ ने अपने जीवन काल का दूसरा वनवास काटते हुए लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि आश्रम में आते ही मुझे रामायण और इतिहास के वो सभी पन्ने समझ में आने लगे जिसमें भगवान राम ने मां सीता को सदा के लिए निष्कलंकित रखने के लिए उनके लिए स्वयं एक नया वनवास चुन लिया था। आश्रम में मैं एक तरफ मां सीता की कहानी समझ रहा था, वहीं दूसरी ओर एक और कहानी मुझे सुनाई पड़ रही थी और मुझे पुराणों की तरफ खींच रही थी। मेरा मतलब है गजेंद्र मोक्ष की कहानी यहीं पर घटित हुई थी। बिहार का ये छोटा सा गांव हिमालय के इन जंगलों में इस जगह पर, ऐसी जगह पर स्थित है जैसे मानो अलग से इसे बनाया गया हो, क्योंकि यह गांव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, और यह टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह हिमालय में स्थित 901 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जगह को घूमने के लिए आपको कार और बाइक की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ के टाइगर सफारी का लुफ्त उठाना पड़ता है, तभी आप यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण को महसूस कर पाएंगे। वैसे जिन कहानियों को तलाशने के लिए मैं निकला था, उनके बारे में सच्चाई जानने से पता चलता है कि उन्हें बस फील किया जा सकता है, उन्हें बयां नहीं किया जा सकता।
जब आप कभी यहाँ आएंगे तो मेरी बातों से पूरी तरह से सहमत होंगे, क्योंकि भारत का हर छोटा सा गांव अपना एक छोटा सा इतिहास और बड़े बड़े राज संजोए रखता है।